सब्सक्राइब कीजिए नूर फैशन वर्ल्ड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट फैशन वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नूर फैशन वर्ल्ड। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ वो वीडियो शेयर करने वाली हूँ जिसका आप लोगों को बहुत दिनों से इंतज़ार था, मतलब कि बॉडी मेजरमेंट का। तो आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ बॉडी मेजरमेंट के किस तरीके से हम बॉडी का नाप ले सकते हैं, और बिल्कुल अच्छे तरीके से बताऊँगी। और आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि कुछ बहुत ज़रूरी बातें हैं जो कि मैं बॉडी मेजरमेंट लेने के बाद ही आपसे शेयर करूंगी। तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा आप। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे लेंथ का नाप। तो आपको इंची टेप को इस तरीके से रखना है, मतलब कि जो एक नंबर है वो नीचे चला जाएगा, और जो भी आपसे कपड़े सिलवाना चाहता है आप उसको पूछ सकते हैं कि आपको कितनी लेंथ चाहिए। तो इस तरीके से ये शोल्डर पे आपको इस तरीके से रखना है। तो इनका जो नाप है वो 43 आ रहा है, तो इनको 43 चाहिए, तो लेंथ है 43। उसके बाद हम सेकंड नाप लेंगे अपने शोल्डर का। तो इस तरीके से हम इंची टेप को पकड़ेंगे, और ये शोल्डर पे अगर ये आपका इस तरीके से मुड़ जाता है तो इसका मतलब ये रॉन्ग है। तो आपको यहाँ पे जहां तक सीधा पड़ा रहे वहां तक नाप लेना है शोल्डर का इस तरीके से। तो ये इनका 15 शोल्डर आ रहा है, किसी का 14 आता है, किसी का 16 आता है, इससे ज्यादा नहीं आता, इससे ज्यादा फिर जेंट्स का आता है। तो ये शोल्डर का नाप इस तरीके से हो गया। जो थर्ड नाप है वो हमारा हम लेंगे बस्ट पॉइंट का। तो इस तरीके से हमें लेना है। तो आर्म होल के जो जस्ट नीचे होता है, ये आर्म होल है, इसको हम अपर बस्ट बोलते हैं, और यहाँ पे जो होता है ये हमारा फुल बस्ट होता है। और आपको नाप भी ऐसे लेना है फिटिंग करके, आपको ढीला नहीं छोड़ना है, क्योंकि हम कपड़े पे नाप लेते हैं और आप अगर कपड़े को मुट्ठी में भरेंगे तो उसका भी कुछ नाप रहता है, कुछ इंचेस का रहता है वो। तो आपको जो नाप लेना है वो फिटिंग का लेना है। तो इस तरीके से आपको फिटिंग का नाप लेना है, ढीला नहीं लेना है। बाद में हम उसमें 2 इंच की, या कोई ढीला पहनना चाहता है तो 3 इंच की भी लूजिंग दे सकते हैं। तो ये इस तरीके से नाप लेना है। तो इनका 38 आ रहा है। अब आता है अपर जो ब्रस्ट होती है, जैसे कि ये नाप ही रखते हैं हम, और जो सेकंड ब्रस्ट होते हैं सेम ही नाप रहता है। और ये आता है अंडर ब्रस्ट, इसको बोलते हैं अंडर ब्रस्ट या फिर कमर भी बोलते हैं। तो ये हमारा 4th नाप है कमर का, इसको भी हम फिटिंग करके इस तरीके से लेते हैं। और जो 5th नाप होता है वो हमारा होता है हिप राउंड। तो इस तरीके से हमें हिप राउंड का नाप लेना है। और ये हिप राउंड हो गया। तो इस तरीके से हमें हिप का ये नाप लेना है, जो कि 38 आ रहा है। और जो घेरा होता है नीचे का बॉटम कुर्ती का, वो हम हिप के हिसाब से रखते हैं। अगर आपको स्ट्रेट कुर्ती पहनना है तो जितना आपका हिप का नाप है उतना ही आपका जो घेर होता है कुर्ती का, बॉटम होता है, वो उतना ही लेते हैं। अगर आपको जैसे ए लाइन पहनना है तो आप अपनी इच्छा से बढ़ा भी सकते हैं। तो अब आता है हमारी स्लीव का माप। स्लीव के माप से पहले आप एक बार क्या करें कि जो आर्म होल की गोलाई होती है उसका भी नाप लेके रख ले। तो ये इनका 16 इंच आ रहा है। इस तरीके से आर्म होल राउंड आपको लेना है, और उसके बाद ये हमें स्लीव की लेंथ लेनी है। जितना भी आप बनाना चाहें उतना इसको इस तरीके से बढ़ा ले, और जहां तक भी बढ़ाए फिर वहीं से आपको इस तरीके से राउंड भी लेना है, इस तरीके से थोड़ा सा ढीला राउंड लेना है। तो ये हमारा हो गया स्लीव का। और फ्रेंड्स, अब हम लेंगे लेंथ में नाप लेंगे। जैसे कि मैं कभी कभी आपको बोलती हूँ बस्ट पॉइंट। तो बस्ट पॉइंट क्या होता है, शोल्डर से आपको इस तरीके से रखना होता है, जो फुल बस्ट सेंटर होता है आपको वहां पे इस तरीके से नाप लगाना होता है। ये इस तरीके से हो गया। जैसे कि यहाँ पे इनका 10.5 आ रहा है, किसी का 11 भी आता है, किसी का 12 भी आता है। तो ये बस्ट पॉइंट जो होता है सबका अलग अलग होता है।
तो अब कमर का इस तरीके से 14 या 15, ज्यादातर 15 लिया जाता है, और फिर हिप का इस तरीके से चाक देख लीजिए आप, तो ये 21 या 22 पे आता है। तो ये तीन नाप इस तरीके से आते हैं जब हम कुर्ती पे लगाते हैं। और नेक, अब बारी आती है नेक की, तो नेक को हमें किस तरीके से किसी भी कस्टमर का जब हम बनाते हैं तो उसको किस तरीके से लेना है, तो आपको यहाँ पे इस तरीके से इंची टेप को रखना है, और जो नेक का सेंटर हो इस तरीके से आपको नेक नापना है। तो ये जैसे 7.5 आ रहा है तो हम 7.25 इंच लेंगे, क्योंकि वो सिलाई में भी दबके अंदर जाता है तो वो इतना ही बैठ जाएगा। और इसी तरीके से आपको बैक का भी नाप लेना है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा नाप कि आप नाप किस तरीके से ले सकते हैं, और नाप लेने के बाद आपको क्या करना है, लूजिंग कितनी देनी है उस नाप में। तो फ्रेंड्स, मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि जो लूजिंग होती है हम तीन चीज़ों में देते हैं, जैसे ब्रेस्ट हो गया, वेस्ट हो गया और हिप हो गया। ये तीन चीज़ें हैं जिसमें हम लूजिंग देते हैं। शोल्डर में हमारा लूजिंग नहीं आता, बाकी जो लेंथ है उसमें आप फोल्डिंग के लिए आपको जितना रखना है उतना आप रख सकते हैं। वैसे 2 इंच ही लेते हैं फोल्डिंग का लेंथ वाइज। तो अब मैं आपको बता देती हूँ कि जो हम जो भी आपका नाप आया है आपको नाप फिटिंग करके लेना है, क्योंकि कभी भी हम बॉडी मेजरमेंट लेते हैं तो जो कपड़े भी पहने होते हैं किसी ने भी हम बॉडी में, तो कपड़े को भी आप मुट्ठी में भरोगे तो उसका भी 4-5 इंच हो जाता है। इसलिए आप जब बॉडी भी मेजरमेंट करें तो बिल्कुल फिटिंग का नाप लेना है, ढीला नहीं छोड़ना है। तो दूसरी बात यह है कि आपको लूजिंग कितनी देनी है। कई बार क्या होता है कि वैसे तो हम 2 इंच लूजिंग देते हैं जो भी आपका आया, जैसे मान लीजिए कि ब्रेस्ट का नाप आया है, मान लीजिए कि ब्रेस्ट का नाप 38 आया है, तो इसमें हम 2 इंच प्लस करते हैं, फिर 2 इंच प्लस करके जैसे 40 हो गया, 40 हो गया, अब 40 का चौथा करेंगे तो आया 10 इंच। तो ये हम इस तरीके से लेते हैं यहाँ पे ब्रेस्ट में 4 फोल्ड पे इस तरीके से कपड़े को रख के, और यहाँ से हम ब्रेस्ट लेते हैं जो कि आर्महोल के बिल्कुल नीचे होता है, ये ब्रेस्ट होता है, तो यहाँ पे हम 10 इंच ले लेंगे। ठीक है, तो कई लोग तो ये बोलते हैं कि मैम जब आप ये 2 इंच ऑलरेडी इसमें आपने लूजिंग का ले लिया है तो आप ये जो मार्जिन हम एक्स्ट्रा रखते हैं, ये जो हम मार्जिन 2-2 इंच का रखते हैं इस तरीके से, ये आप क्यों लेती हैं। तो फ्रेंड्स, ये एक्स्ट्रा पड़ा रहता है, जो सिलाई आती है वो हमारी इस वाली पे आती है, तो ये एक्स्ट्रा इस तरीके से पड़ा रहता है। तो हमें लूजिंग तो बहुत ज़रूरी होता है, ये जो 2 इंच का लूजिंग है तो इससे बहुत ही अच्छी फिटिंग आती है। अच्छा, फिर कभी कोई कस्टमर बोलता है कि हमें ढीला, थोड़े से ढीले सूट पसंद है, ढीले कपड़े, तो आप क्या कर सकते हैं कि जैसे 2 इंच की लूजिंग देंगे तो फिटिंग का माप आएगा, इसी में आप 3 इंच कर सकते हैं। कोई ऐसे बोलता है कि हम तो ढीले ही पहनते बहुत ज़्यादा, तो आप 3 की जगह 4 इंच की भी लूजिंग दे सकते हैं, पर जो भी लूजिंग देनी है आपको सिर्फ इधर ही देनी है, मतलब कि ये ब्रेस्ट का माप हो गया आपका फिटिंग का, और जो भी लूजिंग देनी है आपको इधर ही देनी है, जो भी आएगा उसका चौथा करके फिर इधर आएगा आपका। ठीक है, तो आपको ये इस बात का ध्यान रखना है कि पहले ही लूजिंग देनी है आपको, यहाँ पे एक्स्ट्रा इस तरीके से कुछ नहीं करना कि हम यहाँ पे लूजिंग बढ़ा दें। तो आपको जो लूजिंग देनी है यहीं पे देनी है, 3 इंच का, 4 इंच का, जो भी। वैसे हम 2 इंच का लूजिंग देते हैं फिटिंग की माप के लिए, तो ऐसे ही हम ब्रेस्ट में देते हैं जब 2 इंच का, वेस्ट में भी देते हैं 2 इंच की लूजिंग, और हिप में भी देते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि इस बात में बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि पहले लूजिंग भी दे दें और बाद में ये मार्जिन भी छोड़े, तो ये मार्जिन तो छोड़ना ही है आपको, भले आप 1.5 इंच छोड़ो, 2 इंच छोड़ो, ये तो छोड़ना ही है आपको, और लूजिंग आपको पहले ही दे देनी है जो भी आपको लूजिंग है। तो ये ब्रेस्ट, वेस्ट एंड हिप में लूजिंग आती है, शोल्डर में बिल्कुल भी लूजिंग नहीं आती। जो शोल्डर का नाप मैंने यहाँ पर लिया है वो शोल्डर नॉर्मल शोल्डर का नाप लिया है, जो नॉर्मल शोल्डर है। फिर आप क्या करते हैं, जब नेक के हिसाब से हम शोल्डर को कम ज़्यादा करते हैं जब कुर्ती की कटिंग करते हैं, जैसे कि अगर जो नॉर्मल शोल्डर है, जैसे कि मैंने इन मॉडल का अपना नाप लिया, 15 इंच इनका शोल्डर आ रहा था, और डबल से आएगा 7.5, तो हम डबल से ही नाप लेते हैं,
तो डबल से 7.5 होगा। अगर इन्होंने बैक नेक डीप पहना है तो यही शोल्डर कम हो जाता है, मतलब कि जो 7.5 था वो कम हो जाएगा। और अगर इन्होंने बोला कि नहीं मुझे तो कॉलर नेक चाहिए तो यही 7.5 का 8.5 हो जाता है डबल से, मतलब कि कॉलर नेक में जो होता है ये बढ़ जाता है और जो डीप नेक पहनते हैं उसमें ये कम हो जाता है शोल्डर, ये करना ही पड़ता है। वैसे मैंने बहुत वीडियो में अपनी शेयर की है ये बात, ये कोई नई बात नहीं बता रही हूँ मैं आपको। ये वीडियो सिर्फ मेजरमेंट की थी, पर मैं फिर भी कुछ बातें हैं जो क्लियर कर रही हूँ। वैसे आप मेरी चैनल पर जाएंगे तो इस टाइप की बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी कि शोल्डर नेक के हिसाब से हम कैसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और फ्रेंड्स अगर, और ये जो हिप का माप है, ये अगर आप स्ट्रेट कुर्ती पहन रही हैं तो जितना आपका हिप का माप होगा उतना ही आपका घेरा भी होता है, जो नीचे का घेरा होता है, तो ये सेम लेते हैं। और अगर आपको ए लाइन पहनना है, थोड़ा सा घेर बढ़ाना है, तो आप सिंपल, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको इस घेर को बढ़ा देना है और ये जो हिप लाइन है ये इसको इस तरीके से मिल जाएगा और यहाँ से थोड़ी सी गोलाई आ जाएगी तो ये ए लाइन हो जाता है। और फ्रेंड्स जो आर्म होल का, आप जो राउंड में मैंने आर्म होल का नाप लिया था वो ज़रूर लेके रख लें। वैसे तो मैंने इस पे बहुत अच्छी वीडियो बनाई हुई है आर्म होल का, कि ब्रेस्ट के हिसाब से आपको कितना आर्म होल रखना है। तो आप एक बार क्या करें, एक बार आप जो आर्म होल का राउंड होता है, जो कि मैंने इन मॉडल का लिया है आर्म होल राउंड, वो आप किसी भी कस्टमर का जैसे बनाते हैं वो लिख कर रख लें। और जब आप आर्म होल का ये गोलाई देते हैं जैसे ब्रेस्ट के हिसाब से, तो फिर आप क्या कर सकते हैं कि आर्म होल की जो राउंड आपने लिया था वो यहाँ पे नाप सकते हैं कि आपका बराबर आ रहा है कि नहीं, तो आप उसी टाइम उसको सही कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी आज की मेजरमेंट की वीडियो, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया हो। फिर भी अगर कुछ बातें समझ में नहीं आती तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको थोड़ी सी भी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबाएं, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।